हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है ए सेंटीमीटर, ठीक है, और एक स्क्वायर है, स्क्वायर सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है। सर्कमस्क्राइब का मतलब स्क्वायर इस सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब सर्कल अंदर हो गया, स्क्वायर बाहर हो गया, ठीक है, और जो सर्कल है स्क्वायर के चारों साइड को टच कर रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब जो स्क्वायर है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो यानी स्क्वायर बाहर हो गया, सर्कल अंदर हो गया, ठीक है। तो हमें इस स्क्वायर के पेरीमीटर को फाइंड करना है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, सर्कल का रेडियस ए दिया हुआ है तो डायमीटर हो जाएगा 2a, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू ए सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर हो गया 2a सेंटीमीटर। तो जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का साइड है, तो साइड ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा 2a सेंटीमीटर। जो स्क्वायर का साइड होगा वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा, तो स्क्वायर का साइड पता चल गया 2a, तो पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका 4 गुना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो ये आ गया 4 इंटू 2a, तो इक्वल टू 8a सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।